राजपुर गांव के लोग बहुत ही मेहनती हैं। एक समय पर ये गांव बंजर जमीन हुआ करता था और यहाँ के लोगों ने उस बंजर जमीन को खोद कर यहाँ पर खेती करना शुरू किया और उनकी मेहनत से ही इस गांव में जीवन संभव हो पाया है। मैं सोच रहा था कि हमारे गांव का कुछ विकास होना चाहिए ताकि गांव को जीवन जीने के लिए और भी सुख सुविधाएं मिले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर ये होगा कैसे? और कैसे, जाकर हमें सरकार से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भाई, आज तक क्या सरकार ने हमारे गांव के लिए कुछ किया है भला जो अब कुछ करेगी? हाँ, बात तो तुमने ठीक कही है, पर हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो ऐसा करो, तुम ही जाकर बात कराओ, अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनी तो इससे अच्छी और बात कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हारी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई भाई, पर मैं जाकर देखता हूँ, क्या पता सरकार को मेरी बात समझ में आ जाए। नंदू वहाँ से सीधे सरकारी विभाग की तरफ जाता है। पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम तक वो सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि दफ्तर से सभी लोग जा चुके हैं और वहाँ का चपरासी दफ्तर को ताला लगा रहा है। कौन हो भाई तुम और इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से, और अपने गांव के विकास के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। अभी तो ऑफिस बंद हो गया है, ऐसा करो तुम कल आ जाओ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। नंदू वहाँ से फिर से पैदल घर के लिए चल देता है और उसको घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। पैदल चलकर बहुत थक गया हूँ, अभी जल्दी सो जाता हूँ ताकि कल जल्दी सरकारी दफ्तर जा सकूँ। नंदू सुबह का बासी खाना खाकर सो जाता है, पर वो आज बहुत थका हुआ है, इसीलिए सुबह को उसकी नींद देर से खुलती है। वो बाहर आकर देखता है कि सूरज तो सिर पर चढ़ आया है। ये मुझे आज क्या हो गया, आंखें नहीं खुली। जल्दी से दफ्तर के लिए निकल जाता हूँ, नहीं तो आज फिर से देर हो जाएगी। नंदू बिना खाना खाए ही सरकारी दफ्तर के लिए निकल पड़ता है। वो दिन भर भूखे पेट ही पैदल चलकर शाम होने से पहले दफ्तर जा पहुंचता है। वहां देखता है कि एक लेडी दफ्तर से बाहर निकलने के लिए आ रही है। जी, क्या आप इसी दफ्तर में काम करती हैं? हाँ, क्यों? मैं नंदू हूँ, राजपुर गांव से। नंदू आगे कुछ कह पाता तब तक वो लेडी उसे टोकते हुए कहती है, तुम्हारी जो भी समस्या है कल ऑफिस में आकर बताना, अभी तो मैं घर जा रही हूँ। आप घर जा रही हैं, पर अभी तो ऑफिस का समय है। क्यों नहीं जा सकती घर? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरी समस्या सुन लीजिए और आपसे जो हो सकता है उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं घर जा रही हूँ, तुम कल आ जाओ, मैं कल तुम्हारी समस्या सुन लूंगी। देखिए मैडम, मैं कल भी आया था और देखा कि दफ्तर में कोई नहीं है, इसीलिए आज जल्दी आ गया, और आज भी आप जल्दी घर जा रही हैं। आप कम से कम मेरी समस्या तो सुन लीजिए। मैं अभी कुछ भी नहीं सुनूंगी, जो भी कहना है कल आकर कहना। इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। नंदू उसको आवाज भी लगाता है, पर वो लेडी उसकी आवाज को अनसुना करके अपने घर चली जाती है और नंदू अपना उदास चेहरा लिए दफ्तर को देखने लगता है। तभी वहाँ का चपरासी बाहर आता है और दफ्तर को ताला लगाता है। कल आ जाओ भाई, इसी तरह यहाँ पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। तुमने कल भी यही बात कही थी भाई, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया था, लेकिन तुम्हारी ये मैडम तो आज समय से पहले ही चली गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अफसर लोग हैं, अपने हिसाब से आते जाते हैं, अब भला उनको कौन रोक सकता है। अब तो मुझे यही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कल जब मैं घर से आऊं तब तक तुम्हारी मैडम फिर से घर चली जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे यहाँ रात को बहुत ठंड लगती है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने गांव की भलाई के लिए ये ठंड सह सकता हूँ। वो चपरासी वहाँ से चला जाता है और नंदू वहीं दफ्तर के बाहर अगली सुबह होने का इंतजार करता है। पूरी रात वो ठंड में ठिठुरता है और अगली सुबह होने पर मैडम के आने का इंतजार करता है।
आधा दिन बीत जाने के बाद मैडम दफ्तर में आती हैं। नंदू उनके पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। मैडम, हमारे गांव में सरकार द्वारा कोई भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे गांव में कुछ योजनाएं लाए ताकि गांव वालों का जीवन और भी सुलभ हो सके। तुम्हारे गांव में खेती तो होती है ना? जी हाँ, हमने खुद ही खेत बनाए हैं, हाथों से खोद कर। जब खेती होती है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? खेतों में अनाज बो और उसे काटो। फिलहाल हमारे पास तुम्हारे गांव के लिए कोई भी योजना नहीं है। नंदू उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और नंदू को मन में निराशा भर कर वहाँ से खाली हाथ अपने गांव वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर नमकू उसको देखकर समझ जाता है कि क्या बात है। तुम्हारे उदास चेहरे ने सब कुछ बता दिया है, पर तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। अब सभी गांव वाले एक पंचायत बिठाते हैं और वहां पर फैसला लेते हैं कि अब इस गांव को पर्यटन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसीलिए सभी गांव वाले मिलकर गांव में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाते हैं। अब देखना, लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आएंगे। चारों तरफ पहाड़ हैं और झरने हैं, साथ ही फूल लगाकर हमने अपने गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। कुछ दिनों में वहाँ कुछ अंग्रेज घूमने के लिए आते हैं और उनको गांव बहुत पसंद आता है। शाम को घूमने के बाद वो गांव वालों से चाय और नमकीन मांगते हैं। बेटा, चाय तो हम लोग हर दिन पीते हैं, पर ये नमकीन आज तक नहीं पी। अरे आंटी, ये नमकीन पीने के लिए नहीं, खाने के लिए होती है, इसको चाय के साथ खाते हैं। खाते होंगे बेटा तुम्हारे देश में, हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय ही पी जाती है। नहीं आंटी, नमकीन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि भारत में भी खाई जाती है। मुझे तो नहीं पता बेटी, मैं तो आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। आंटी, हम लोगों को चाय के साथ नमकीन खाने की आदत है, बिना नमकीन के हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तुम कह रही हो तो सच ही होगा, पर बेटा मेरे पास नमकीन तो नहीं है। ठीक है आंटी, आपने बड़े प्यार से चाय बनाई है, इसलिए हम सभी इस बार बिना नमकीन के ही चाय पी लेते हैं, पर अगली बार से आप चाय के साथ नमकीन भी दीजिएगा, नहीं तो कोई भी आपकी चाय नहीं पिएगा। ठीक है बेटा, मैं किसी को शहर भेजकर नमकीन मंगवा लूंगी। सभी अंग्रेज बिना नमकीन के ही चाय पी रहे थे। थोड़ी चाय पीने के बाद उनको बिना नमकीन की चाय पसंद नहीं आती और वो सभी चाय फेंक देते हैं। ये देखकर बूढ़ी अम्मा को बुरा लगता है। अंग्रेज बूढ़ी अम्मा को उनकी चाय का पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब अम्मा नमकू को आवाज लगाती है। नमकू, अरे बेटा नमकू, जल्दी यहाँ आ जा। बूढ़ी अम्मा के बुलाने पर नमकू अम्मा के पास आता है। अम्मा बताओ, कैसी चल रही है आपकी चाय की दुकान? दुकान तो ठीक चल रही है बेटा, पर ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि उनको चाय के साथ नमकीन भी चाहिए खाने के लिए, नहीं तो वो चाय भी नहीं पिएंगे। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊंगी नमकीन? नमकीन तो अम्मा बाजार में मिलेगी, पर वो बहुत महंगी है। ठीक है बेटा, ये ले, कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तू बाजार से नमकीन लेकर आ जा। नमकू अम्मा से पैसे लेता है और बाजार के लिए निकल पड़ता है। दिन भर पैदल चलने के बाद नमकू शाम तक बाजार पहुंचता है और उसको वापस आते आते रात हो जाती है। वो बाजार से आधी रात में नमकीन लेकर घर आता है। रात बहुत हो गई है, अम्मा सो गई होंगी, कल सुबह जाकर ये नमकीन अम्मा को दे आऊंगा। नमकू सो जाता है और सुबह होने पर अम्मा के पास जाकर नमकीन अम्मा को देता है। ये लो अम्मा, तुम्हारी नमकीन। अम्मा नमकीन की पुड़िया अपने हाथों में पकड़ती है। ये क्या है नमकू, ये तो थोड़ी सी है, क्या तू और तेरे घर वाले रात को मेरी नमकीन खा गए? नहीं अम्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो,
मैं भला तुम्हारी नमकीन क्यों खाऊंगा? तुमने जो पैसे दिए मैं उन पूरे पैसों के ले आया। तो क्या उतने पैसों में इतनी ही नमकीन मिलती है? हाँ माँ, नमकीन का दाम बहुत ज्यादा है। तुम जितने की एक हफ्ते में चाय बेचती हो उतने पैसे में तो सिर्फ दो लोगों को एक बार चाय के साथ खाने के लिए नमकीन आएगी। तो क्या मुझे अपनी चाय की दुकान बंद करनी पड़ेगी? नहीं अम्मा, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, क्योंकि ये समस्या सभी गांव वालों के लिए है जिनकी चाय की दुकान है। गांव में फिर से एक पंचायत बैठती है और सभी लोग इस निर्णय पे पहुँचते हैं कि जैसे गांव में बाकी चीजों की खेती की जाती है उसी तरह से गांव में नमकीन की भी खेती की जाए। हाँ ये सही बात है, हम लोग आज से नमकीन की भी खेती करेंगे। अब इस बार सभी लोग अपने अपने जमा किए हुए पैसों से बाजार से नमकीन खरीद कर ले आते हैं और उसको अपने अपने खेतों में बो देते हैं, पर उनके खेतों में नमकीन नहीं उगती। ये देखकर सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तुम लोग निराश क्यों हो रहे हो? भूल गए जब इस गांव में कुछ भी नहीं था तब हम लोगों ने अपने हाथों से खोद कर यहाँ खेत बनाए थे और एक एक खेत को बनाने में हमको महीनों लग जाते थे। नहीं अम्मा, हम लोग कुछ नहीं भूले हैं, पर जब खेतों में नमकीन उग ही नहीं रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस समस्या के समाधान के लिए गुरुजी के पास जाऊंगी। मैं एक गुरुजी को जानती हूँ, वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। अम्मा वहाँ से सीधे गुरुजी के पास जाती है जो कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा में साधना कर रहे थे। अम्मा उनको अपनी समस्या बताती हैं, जिस पर गुरुजी उनको एक उपाय बताते हैं और अम्मा उस उपाय को लेकर गांव में आ जाती है। गुरुजी ने एक कलश के बारे में बताया है जो कि एक गांव से दूर जंगल में एक बड़े झरने के नीचे रखा हुआ है। उस झरने से अगर हम लोग वो कलश ले आए तो हम नमकीन की खेती कर सकते हैं। पर अम्मा, उस कलश का नमकीन की खेती करने से क्या मतलब? उस कलश में अरब सागर का नमकीन पानी भरा हुआ है। अगर हम उस पानी को अपने खेतों में छिड़केंगे तो उससे हमारे खेतों में नमकीन उगाएंगे। ठीक है अम्मा, तो हम आज ही उस कलश को लेने के लिए जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगी। गांव के सभी लोग बूढ़ी अम्मा के साथ जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद वो लोग झरने के पास पहुंच जाते हैं। ये वही झरना है बेटा जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। वो देखो, वहाँ नीचे कलश दिखाई दे रहा है। नमकू कलश को लेने के लिए जाता है पर झरने के बहाव से वो बह जाता है। ये देखकर गांव वाले चिंतित हो जाते हैं। लगता है पहले हमें इस झरने की दिशा को बदलना होगा। पर ये तो बहुत कठिन काम है अम्मा। हमको भी तो आसान काम करने की आदत नहीं है ना बेटा, और वैसे भी कलश मिलने के बाद तो हम लोगों का जीवन आसान होने ही वाला है। चलो आ जाओ। अम्मा और नमकू के साथ सभी गांव वाले झरने के ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर कुदाल और फावड़े से खोदने लगते हैं और खोदकर झरने की दिशा बदल देते हैं। उसके बाद नमकू जाता है और कलश उठाकर ले आता है। ये लो अम्मा, तुम्हारा कलश। ये मुझ अकेले का कलश नहीं है, इसका जादुई नमकीन पानी सभी गांव वालों को बराबर मिलना चाहिए ताकि सभी अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सकें। सभी लोग उस कलश के जादुई नमकीन पानी को अपने खेतों में छिड़कते हैं जिससे उनके खेतों में नमकीन उगाती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब थी। अब जो भी अंग्रेज वहां घूमने आता उनको चाय के साथ वो नमकीन भी दी जाती जिसके बदले वो गांव वालों को अच्छे पैसे देते और धीरे धीरे गांव में पर्यटन बढ़ने लगा। पायल के बाबा शरद कैंसर के मरीज थे। इनके इलाज के लिए कमला कई घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। कमला सुबह से शाम काम ही किया करती थी, कभी इस घर में
तो कभी उस घर में, और रात को थकी हारी जब वो घर लौटती तो अपने घर का भी सारा काम किया करती थी। माँ, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। कमला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने लगी। जैसे जैसे कमला बोलती वैसे वैसे पायल किया करती थी। कुछ दिनों में पायल खुद ही खाना बनाने लगी। माँ, मैंने खाना बना लिया। अरे वाह, स्कूल से लौटकर तूने खाना भी बना लिया? हाँ माँ, होमवर्क भी हो गया और खाना भी बन गया। बहुत अच्छे। पायल ने अपने माँ पापा को खाना खिलाया। इस दिन पूरा परिवार खुश था। थोड़ी खुशी आई ही थी इनकी किस्मत में कि दुखों ने दस्तक दे दी। पायल के बाबा नहीं रहे। अब पायल की माँ और पायल अकेले पड़ गए थे। अब तक वो अपने बाबा की बीमारी ठीक करने के ख्याल से काम किया करते थे। अब बस तू ही मेरा परिवार है, मैं तेरी जिंदगी बेहतर कर सकूं, बस यही एक इच्छा है मेरी। कुछ समय बाद दोनों इस दुख से उबर गए। कमला फिर से काम पर जाने लगी। पायल स्कूल से लौटती और फिर स्कूल के बाद घर आकर सारा काम संभाल लेती। एक दिन की बात है, कमला थकी हारी घर लौटी। आज तो बहुत काम करना पड़ गया। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। माँ, क्या जिंदगी भर हम लोग ऐसे ही रहेंगे? क्या क्या जिंदगी भर तुम काम वाले का ही काम करोगी? नहीं पायल, जब तू बड़ी हो जाएगी, अच्छा जॉब करेगी, तब मुझे काम वाली का काम करने की क्या जरूरत है। नहीं माँ, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी परिस्थिति बदल जाए। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम तो छोटी बच्ची हो और मैं अनपढ़। माँ, हम दोनों कितना अच्छा फरसान बनाते हैं ना, क्यों ना हम फरसान बनाकर बेचें? ये इतना आसान नहीं है पायल। हमें फरसान बनाने के लिए मशीन की जरूरत होगी और वो बड़ी मशीन बहुत महंगी होती है। क्या हम सेकेंड हैंड मशीन नहीं ले सकते हैं? सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी हमें पैसे लगेंगे ना। तो ठीक है माँ, अब हम पैसे बचाएंगे और जल्दी ही नमकीन बनाने की मशीन खरीदेंगे। कमला हर महीने कुछ न कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करने लगी। कुछ महीनों बाद काफी सारे पैसे जमा हो गए। पायल ने गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। माँ, अब हमारे पास 8,000 रुपए हैं। मुझे लगता है इतने में सेकेंड हैंड नमकीन की मशीन तो आ ही जाएगी। हाँ शायद, कल जाकर देखते हैं। अगले दिन पायल और कमला मार्केट पहुँचे और पुराने मशीन की दुकान ढूंढने लगे। वो लोग काफी देर तक ढूंढते रहे पर उन्हें कोई दुकान नहीं मिली। पायल, मुझे लगता है ऐसी कोई दुकान यहाँ है ही नहीं। थोड़ा और ढूंढते हैं ना माँ, मुझे यकीन है हमें नमकीन बनाने की मशीन जरूर मिलेगी। ठीक है। कमला और पायल यहाँ वहाँ देख रहे थे कि अचानक उनके सामने एक पुरानी मशीन की दुकान आ गई। हाँ, अभी अभी तो ये दुकान यहाँ नहीं थी, अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? माँ, शायद हमने देखी ही नहीं होगी। जो भी हो, चलो ना अंदर चलते हैं। भैया, क्या आपके पास पुरानी नमकीन बनाने की मशीन है? हाँ है ना, आपको जो भी चाहिए हमारे पास मिलेगा। पर भाई, हमारे पास पैसे कम हैं। पैसों की चिंता ना कीजिए बहन जी, आपके पास जितने पैसे होंगे हम उतने पैसों में आपको मशीन दे देंगे। आइए, अंदर आइए। दुकानदार ने उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई। ये देखिए, ये तो बहुत महंगी लग रही है। बिल्कुल नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए। तो बस ये मशीन आपकी हुई। सच्ची? बिल्कुल। कमला और पायल मशीन लेकर घर आए और नमकीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक वो दोनों मेहनत करते रहे। अब सो जा पायल, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, बाकी कल करते हैं। ठीक है माँ। कमला और पायल दोनों सो गए और अचानक आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। उस मशीन ने बहुत सारे अलग अलग फरसान के पैकेट्स बना दिए। जब कमला और पायल सुबह उठे तो सारा घर फरसान के पैकेट से भरा हुआ था।
माँ, क्या तुमने रात में ये सब किया? नहीं, मुझे लगा कि तुमने किया होगा। वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये फरसान के पैकेट बनाए किसने, पर जो भी था उनकी मदद ही कर रहा था। अगली रात उन दोनों ने फिर से ढेर सारा नमकीन बनाने की तैयारी की और सो गए। इस रात भी मशीन अपने आप नमकीन बनाने लगी और पैक करने लगी, पर इस रात मशीन की आवाज से पायल की नींद खुल गई। पापा, पायल देखकर चौंक गई कि उसके बाबा की आत्मा नमकीन बना रही थी। कमला भी उठ गई। कमला और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वो आप थे जो हमारी मदद कर रहे थे। मैं जीते जी तो तुम दोनों पर बोझ बना रहा, अब मरने के बाद तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। पर पापा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। जादुई नमकीन की मशीन मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोल ली और अब कमला काम वाली का काम नहीं करती थी। शायद इसलिए कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि मरने के बाद भी उनका भला ही सोचते हैं। गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई था। वह बहुत ही चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनके कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक दिन रवि अपने एक कस्टमर की कटिंग कर रहा था, तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से निकल रही थी। तभी वो रवि को इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते देख मन में सोचने लगी, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचती सोचती निशा घर पहुँच जाती है। निशा के परिवार में वो और उसके पिता ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के पिताजी सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो, बताओ। क्यों ना मैं हमारे गांव में खुद का सैलून डाल लूं? पर बेटा, गांव में रवि का सैलून है और वो बहुत पुराना है और सभी गाँव वाले उसी के पास आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है, सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसको सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव वाले उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह टैलेंटेड नहीं, उसकी कटिंग में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं खुद का सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी पिताजी, आप चिंता ना करें, आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे दिन निशा तैयार होकर सुबह सुबह गांव के गज्जू काका के घर पहुंच जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर जाती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ बैठो बेटा। निशा गज्जू काका के सामने खाट पर जाकर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा की ओर देखकर कहते हैं, बेटा आज हमारे घर कैसे आना हुआ, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है काका, बस थोड़ा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार के बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात, दुकान तुम्हारी ही है, पर ऐसे अचानक कुछ नया शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर सैलून शुरू करना चाहती हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है रवि का, और गांव के सारे बूढ़े से लेकर बच्चे जवान सब वहीं जाते हैं हेयर कटिंग करवाने। हाँ काका, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है, और वैसे भी पिताजी की तबीयत की वजह से मुझे गांव ही रहना पड़ेगा, और मैं हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, ये दुकान आज से तुम्हारी। कुछ दिनों में निशा हेयर सैलून शुरू कर लेती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता है। निशा बहुत उदास हो जाती है।
और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों की फ्री में कटिंग करके मार्केटिंग करूं, जिससे मेरे सैलून का प्रचार हो सके। और फ्री हेयर कटिंग स्टार्ट करती है। थोड़े दिन में उसके सैलून पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। निशा गांव के लड़कों और आदमियों की उनकी पसंद के कटिंग करती है, जिससे सब लोग उसकी कटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो निशा के पास आता है और कहता है, लड़की होकर हेयर सैलून खोल रखा है और मेरे सारे ग्राहक भी खा रही हो। चुपचाप अपना ये सैलून बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुन सैलून में बैठे लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो अपने ही गांव के लोगों को कटिंग के ज्यादा पैसे लेकर लूटते हो और फिर मुझे आकर धमकी दे रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धमकी देने की? इतने में गांव के सारे लोग भी निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से बचकर रवि भाग जाता है।